नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रही हैं वन इंडिया। दिलकश मुस्कान, खूबसूरती, जिसे देखकर एक अलग ही पॉजिटिविटी नजर आती है। एक अलग ऐसी शख्सियत जिसकी संजीदगी दिलों को लुभाती है, ऐसी हैं नफीसा अली। नफीसा अली आज जिंदगी के उस दौर से गुजर रही हैं जो सबसे मुश्किल दौर है। नफीसा को थर्ड स्टेज का कैंसर है। आइए जानते हैं कौन है नफीसा अली। नफीसा बेहद खूबसूरत हैं, इस एज में भी एक अलग ही ग्रेस नजर आता है उनमें। नफीसा अली फिल्मों में अपनी एक खास पहचान रखती हैं। वो एक भारतीय बंगाली अभिनेत्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। नफीसा अली का जन्म 18 जनवरी 1957 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। नफीसा के पिता अहमद अली बंगाली मुस्लिम हैं, जबकि माँ फिलोमना एक रोमन कैथोलिक। नफीसा के दादा एस वाजिद अली बंगाली के प्रसिद्ध लेखकों में से एक रहे हैं, तो वहीं नफीसा की बुआ जैब उन निशा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। नफीसा की पढ़ाई लामार्टिनियर कोलकाता से हुई। इसके अलावा उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद द्वारा सिखाए गए वेदांत का भी अध्ययन किया है, जिन्होंने विश्व समझौता केंद्र चिन्मय मिशन शुरू किया था। नफीसा के हस्बैंड प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता सेवानिवृत्त कर्नल RS हैं। शादी के बाद नफीसा ने काम से थोड़ा ब्रेक लिया और बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया। नफीसा एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान है और यही वजह है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। नफीसा दो बेटे और एक बेटे की माँ हैं। करीबन 18 साल बाद उन्होंने फिर से एक्टिंग करियर में अपनी वापसी की। नफीसा अली ने कई क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन भी रह चुकी हैं। इसके अलावा मिस इंटरनेशनल में एक जॉकी भी रह चुकी हैं। नफीसा अली ने कई बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग की, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। शशि कपूर के साथ जुनून, अमिताभ बच्चन के साथ मेजर साहब, बेवफा, धर्मेंद्र के साथ लाइफ इन अ मेट्रो, यमला पगला दीवाना जैसी कई फिल्में की और इन सभी फिल्मों में उनकी एक अलग ही पहचान देखी गई। नफीसा हिंदी फिल्मों के अलावा मलयालम फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। नफीसा राजनीति में भी बेहद एक्टिव रही हैं। नफीसा अली ने दक्षिण कोलकाता से साल 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वो हार गईं। फिर बाद में 5 अप्रैल 2009 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय दत्त के अयोग्यता के बाद समाजवादी पार्टी टिकट पर लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने नवंबर 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर से शामिल होकर समाजवादी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए सोनिया गांधी से माफी मांगी। फिलहाल बॉलीवुड की अभिनेत्री नफीसा अली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए खुलासा किया, वो कैंसर से जूझ रही हैं। वो कैंसर की